गुजरात के अहमदाबाद से कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे हिम्मत सिंह पटेल ने भी आज अपना नामांकन दर्ज करवा दिया है। गुजरात में अहमदाबाद पूर्व लोकसभा बैठक से कांग्रेस के प्रत्याशी हिम्मत सिंह पटेल मैदान में हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन दर्ज करा दिया है। नामांकन दर्ज कराने से पहले हिम्मत सिंह पटेल ने अंबाजी के मंदिर में दर्शन किए और अपने निवास स्थान से खुली जीप में एक रैली का आयोजन किया। सुखराम नगर से रखियाल, सारंगपुर, आस्टोरिया होते हुए लाल दरवाजा जिला पंचायत पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं और आम आदमी पार्टी के समर्थकों की उनकी रैली में उपस्थिति रही। 2004 और 2024 में कांग्रेस का शासन आने पर हिम्मत सिंह ने बताया कि अहमदाबाद के मेयर और विधायक के रूप में उन्होंने लगातार काम किया है। ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि लोग उनके सेवाकीय कार्यों को देखकर वोट करेंगे। हिम्मत सिंह पटेल कांग्रेस से मेयर भी रह चुके हैं और एक टर्म विधायक भी रहे हैं। हिम्मत सिंह पटेल प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष और फिलहाल शहर अध्यक्ष भी हैं। हिम्मत सिंह पटेल इससे पहले 2014 में अहमदाबाद पूर्व बैठक पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस द्वारा अहमदाबाद पूर्व बैठक पर पहले रोहन गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया था, लेकिन रोहन गुप्ता के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने पर हिम्मत सिंह पटेल को उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया है। अहमदाबाद शहर ना मेयर तरीके धारासभ्य तरीके कांग्रेस ना एनएसयूआई ने युवा कांग्रेस थी लेने प्रदेश कांग्रेस ने शहर कांग्रेस ना प्रमुख ना संगठन थी लेने प्रजाना चुकायला प्रतिनिधि तरीके मैं वर्षों थी आ शहर ना नगरजनों ने सेवा करी छे। सेवा एज संकल्प ये मारो मूल मंत्र छे। हूँ जाहिर जीवन में चूंटायेलो प्रतिनिधि रहो ये नहीं रहो लोकोनी वच्चे लोकोना साथी तरीके लोकोना सुख दुख में भागीदार तरीके मारू कार्यालय मारू सेवा केंद्र मारी समाज सेवा અને લોકોના સાથે મારા એ સંબંધો છે। લોકોની રોજબરોજની સમસ્યા હોય મુશ્કેલીઓ હોય એના માટે 365 દિવસ 24/7 મારા ઘરના દરવાજા હંમેશા લોકો માટે ખુલ્લા હોય છે।